Hello dear students, welcome to your online classes. I am Shelly, your maths teacher. And students, today we are going to discuss about the next exercise of our chapter. Okay? So previous lecture के अंदर मैंने आपको graph की help से graph draw करना बताया था, जिसके अंदर bar graph, pictograph हमने ये सारी discussion की थी. सो बार ग्राफ की हेल्प से मैंने आपको ड्रॉ करना बताया था कि किस टाइप से आपको डाटा गिवन है और आपने ग्राफ के ऊपर यस डाटा को रिप्रेजेंट करना है. लेकिन बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे लाइन ग्राफ के बारे में. क्लियर? सो बुक के अंदर आपको ग्राफ गिवन है ऑलरेडी, वो शेप्स उनको वो सारी गिवन है आपके पास. आपने क्या करना है, पॉइंट्स को लोकेट करना है. जो डाटा आपको दिया गया है उनको पॉइंट्स की हेल्प से लोकेट करना है और एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. ये स्टूडेंट्स, सो ये देखिए, मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर में करवाया था तब उसमें भी इस टाइप से ये बॉक्सेस वाला ग्राफ था. और मैंने आपको सब चीज़ें बताई थी कि हम इसमें इक्वल इंटरवल लेते हैं. वन साइड हम एक्स एक्सिस लेते हैं, अनदर साइड वाई एक्सिस लेते हैं. यहाँ पर हम नोटेशंस फिल करते जाते हैं. अब इस एग्जांपल को पढ़िए और उसकी हेल्प से यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंट करें. देखिए क्या लिखा हुआ है. अरुणा वेट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ हर बर्थ टू द 10th मंथ इज शोन इन द टेबल. एक अरुणा बेबी है, उसको जब उसका बर्थ हुआ था और जब 10 मंथ्स की वो हो गई थी, उस टाइम पे उसके वेट मेज़र किया गया था कि बेबी का जो वेट है वो कैसे वेरी कर रहा है. तो देखो बच्चे, जब उसका बर्थ हुआ था, जब वो 0 मंथ की थी, तो उसका वेट 2.5 केजी था. फिर जब वो 2 मंथ्स की हो गई तब उसका 4 केजी हुआ. जब वो 4 मंथ्स की होगी तब 5.5, 6 मंथ्स की हुई तो 6.5 केजी हुआ, 8 मंथ्स की हुई तो 7 केजी वेट हो गया, जब 10 मंथ्स का जब वो बेबी हुई तो फिर वो 7.5 केजी हो गया. तो बच्चे यहाँ पे क्या है, एक तो एज वेरी कर रही है और एक वेट चेंज हो रहा है. कौन कौन चीज़ें चेंज हो रही हैं, एज एंड वेट. यस, सो हम वन साइड क्या ले रहे हैं, मंथ्स, हम टाइम्स ले रहे हैं, जैसे 0 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, अप टू 10 मंथ्स लिया. सेम मैंने वेट लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10. ओके बच्चे, ये चीज़ ध्यान से देखो एक बार ये ग्राफ में. इसके अंदर यस इंटरवल्स दे रखे हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3. तो देखो, अगर मान लो मेरे को 2.5 की बात करनी है तो मैं 2 और 3 का मिड देखूंगी. ये मिड पॉइंट, ये 2.5 है. क्लियर? सिमिलरली अगर मेरे को एक्स एक्सिस पे 1.5 की बात करनी है तो 1 और 2 का मिड कौन है, ये वाला पॉइंट. तो मैं इसको क्या करूँगी, मिड पॉइंट मेजर करके चलूँगी, 1.5 कहूँगी. ये नोटेशन मैंने बता दी. अब जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको करवाती जाऊँगी. फर्स्ट क्या है, 0 मंथ पे है 2.5, ये आपका मंथ है. 0 मंथ पे क्या है, 2.5. तो 2.5 कौन सा, 2 और 3 के मिड में, दिस इज योर 2.5, तो इसको मार्क कर दो. नेक्स्ट, सेकेंड मंथ पे है 4, तो सेकेंड पे कौन है, सेकेंड देखो, सेकेंड मंथ ये रहा, सेकेंड मंथ पे क्या है, 4 केजी, तो केजी ऊपर है, सो ये रहा 4 इसके सामने, ये देखो ये रहा, ये पॉइंट मार्क कर दिया. नेक्स्ट, 4 मंथ्स में 5.5, दिस इज योर 4, 4 मंथ्स पे 5.5 जाओ, ये 5 से हाफ ऊपर गए तो 5.5, दिस इज योर 5.5. लाइंस को मीट करते जाना. नेक्स्ट, 6 मंथ्स पे है 6.5, 6 मंथ्स पे क्या है 6.5, 6.5 ये रहा, अब इसको मीट कर दो. नेक्स्ट, 8 पे है 7, तो दिस इज योर 7 मार्क कर दिया मैंने. 10 पर मेरे पास है 7.5, तो ये रहा. और जैसे जैसे मैं ज्वाइन करती गई, ये मेरे पास ग्राफ बन गया. अब मेरे पास ये फर्स्ट सम है एक्सरसाइज का 12.2 का. डाटा मेरे को गिवन है, देखो क्या चीज़ है, काजिम इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ प्लांट, काजिम को बहुत शौक है प्लांट्स का. ही सोड अ बीन सीड्स, उसने जो सीड्स हैं उसको सो किया, एंड देन मेजर द हाइट ऑफ द बीन प्लांट, और फिर उसने चेकआउट करा कि वो प्लांट एवरी वीक कितना ग्रो कर रहा है. शो द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑन अ लाइन ग्राफ, अब जो ग्रोथ हुई है जितने जितने सेंटीमीटर वो बढ़ता गया है उसको हमने ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है. गिव ए सुटेबल टाइटल फॉर द ग्राफ आंसरिंग द क्वेश्चन. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मैंने वीक है और हाइट ऑफ द प्लांट है, तो इस साइड तो हमने टाइम लिया वीक और इधर क्या रखा, हाइट. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिप्रेजेंटेशन. इधर भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिप्रेजेंटेशन ले ली. नेक्स्ट, 0 वीक 0 हाइट,
जीरो वीक जीरो हाइट, तो ये पॉइंट। वन वीक 3.5 हाइट, वन वीक 3.5, यहां तक हम गए 3, ये 3.5, ये देखो ये रहा। नेक्स्ट टू वीक 5 सेंटीमीटर, टू वीक पर 5 सेंटीमीटर। थ्री वीक 6.5, थ्री पर गए, दिस इज योर 6, 6 से हाफ ऊपर गए तो 6.5। फोर वीक और 8, फोर वीक पे 8, फोर पे जाते जाओ, ये रहा 8। फाइव वीक और 9, 5 पे देखो 9 पे दिस वन। सिक्स वीक और 10, सिक्स वीक पे 10, 6 ये रहा 10। अब क्या करो, इनको मीट कर दो, दिस इज योर ग्राफ। ओके बेटा, तो ये आपका ग्राफ है, आप स्ट्रेट लाइन से इसे मीट कर देना, तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चनिंग है, नीचे देखो, हाउ मच डिड द प्लांट हाइट इंक्रीज इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में कितनी हाइट इंक्रीज हुई, पहले जीरो थी फिर 3.5 होगी, तो कितना इंक्रीमेंट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, 3.5, तो यहाँ पे राइट कर देंगे। हाउ मच डिड द हाइट इंक्रीज इन द सेकेंड वीक, सेकेंड के अंदर यहाँ पे 3.5 था और ये 5 था, तो 5 माइनस 3.5 करो, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 3 1, तो कितना आ जाएगा 1.5, क्योंकि सेकेंड वीक की पूछे है ना उन्होंने। इन विच टू वीक्स वॉज द इंक्रीज इन हाइट 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कौन से टू वीक्स के अंदर इंक्रीज हुई है, चेकआउट करो, 1 सेंटीमीटर ओनली। एक तो 8 टू 9, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है क्योंकि 8 था और 9 हो गया, और 9 टू 10 यहाँ पे, तो यानी ये कौन से वीक हो गए, फिफ्थ वीक और सिक्स्थ वीक, यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिफ्थ वीक एंड सिक्स्थ वीक 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई। गेस द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 7 वीक, तो 7 वीक के बाद प्लांट की हाइट क्या थी, तो बेटा यहाँ पर तो हम ऑलरेडी वीक क्रॉस आउट कर ही चुके, लास्ट में कितनी हाइट रही है प्लांट की, ओनली 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। तो बेटा अब ये ग्राफ यहाँ पे था तो मैंने कर दिया, लेकिन आपने ग्राफ मार्केट से लेके उसके ऊपर ये ड्रॉ करना है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बार ग्राफ ड्रॉ करना बताया था, अब यहाँ पे ग्राफ के पीस गिवन ही था तो मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। ओके, सो आपने भी साथ साथ इसके ऊपर करते जाना है, स्किप नहीं करना, क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक पे करना है और ग्राफ की कटिंग करके फेयर नोटबुक पे पेस्ट करना है, क्लियर। सो ये आपका होमवर्क है, ये 12.2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छे से समझो क्या लिखा हुआ है। XYZ प्राइमरी स्कूल वॉज ओपनड इन 2010 विद 50 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 2010 एंड 2015 इज शोन इन द टेबल, रिप्रेजेंट द डाटा इन द लाइन ग्राफ। आपको पीछे एक टेबल गिवन है, ये रही, यहाँ पर ईयर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरी करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राफ आपको गिवन है, इस ग्राफ की हेल्प से आपने डाटा को रिप्रेजेंट करना है। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चनिंग करते हैं, पहले ये सीखो। अब यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑलरेडी लगा रखे हैं, 2010, 2011, 2012, 13, 2014, 2015, 2016, 50, 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रखे हैं, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, देखो। सो 2010 ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50, तो 2010 में कितने हैं, 50, मार्क कर दिया। 2011 में 250, 11 में 250 मार्क कर दिया। 2012 में 350, 12 में 350 लो मार्क कर दिया। 2013 में 400, 13 में बेटा क्या आएगा, 400 मार्क कर दिया। 2014 में 400 अगेन, 2015 में 300, बस अब लाइन को मीट करते जाओ, आपने स्केल की हेल्प से करना है।
मेरी स्ट्रेट लाइन आ रही है तो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। ओके बेटा, सो ये आपका ग्राफ बन गया, क्लियर। सो इसके अंदर हमने क्या डिस्कशन किया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2010 टू 2015, हमने टेबल्स जो था उसको डाटा को लाइन ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ पर। ओके, सो इन विच ईयर, अब ये क्वेश्चनिंग है, ये क्वेश्चनिंग अब आप खुद ट्राई करना। अगर आपको ये क्वेश्चनिंग नहीं पता चलती है देन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर 1, उसके क्वेश्चन मैंने आपको समझाए, लेकिन अब ये सेकेंड के क्वेश्चन जब आप खुद करोगे। ओके बेटा, सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क एक्सरसाइज 12.2। मैंने आपको ये भी बता दिया कि फियर नोटबुक पे कैसे करना है, क्लियर। तो आई होप आप अच्छे से इसे करके रखोगे और फियर नोटबुक भी साथ साथ कंप्लीट रखोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।